हाय गाइस, तो क्या हाल है। मैं हूँ आउटलुक टॉक्स। तो भाई आज मेरे पास काफ़ी सारी स्टोरीज है पूरी यूट्यूब कम्युनिटी की तरफ से, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे प्यार से। तो चलिए फर्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं अभिषेक उपमन्यु एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग जानते होंगे अभिषेक उपमन्यु को, उनकी स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। तो रिसेंटली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक सरकास्टिक रील अपलोड किया अगेंस्ट डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जहां पर बेसिकली वो बात कर रहे थे अबाउट अ जोक बीइंग स्टोलन फ्रॉम हिम। तो उन्होंने क्या कहा था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाय गाइस, एक्चुअली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक कुछ कन्फेशन है उसके लिए। आज से 4 साल पहले मैंने एक स्टैंड अप वीडियो अपलोड की थी कॉल्ड इंडियन इंसल्ट्स एंड कमबैक्स, जिसमें मैंने एक जोक किया था कि लोग बेसिकली करने के बाद रिपीट करते हैं। बहुत लोग लगता है जो मैंने लिखा था, बट सच ये कि एक्चुअली वो जोक मैंने चुराया था किसी से। जिसे चुराया था उनका नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, और उन्होंने फाइनली वो जोक अपलोड कर दिया है 17 अगस्त 2021 को। एंड I'm just so sorry I did it. आपको दिखाता हूँ मैं। रीजन दे दिया क्योंकि लगा के आप ऐसे जाके बोल भाई साहब मैं आगे निकल जा, क्यों आगे निकल जाओ, नहीं जाने दो, जाने दो नहीं मैं प्लीज प्लीज तो क्या आदमी ने गुस्से में तो आपकी बात रिपीट करता। घर की माई भी ऐसी करती थी ना, मैं दो रोटी से ज्यादा नहीं खाऊ, दो रोटी से ज्यादा नहीं खाएगा ये, तो गुस्से। लेकिन आप तो चलिए नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं द UK07 राइडर के बारे में। तो मैंने अपनी एक रिसेंट वीडियो में इनके बारे में स्टोरी कवर किया था कि इनके सब्सक्राइबर्स एंड फैंस इनके घर में काफी आ जा रहे हैं एंड कभी कभी यह एक सेफ्टी इशू भी हो जाता है। तो वह ब्लॉग में इस चीज के बारे में बात कर रहे थे, बट अपने लेटेस्ट ब्लॉग में उन्होंने काफी शॉकिंग इंसिडेंट शेयर किया था, जहाँ पर उन्होंने बताया कि 3 लोग उनसे मिलने आए थे एंड वह घर पर नहीं थे। तो वह उनकी वो उनकी मदर के सामने अब्यूसिव वर्ड यूज कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स 07 राइडर को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड उन्होंने कहा उनके पास सीसीटीवी फुटेज भी है, वह केस भी कर सकते हैं, बट वह अभी वैसा नहीं कर रहे। सो यह उन्होंने क्या कहा था आप खुद सुन लीजिए। ये इंसिडेंट गाइस परसों का है। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, मम्मा ना घर पे अकेली थी एंड 3 लड़के मेरे से मिलने के लिए आए थे। मैं उस टाइम घर पर नहीं था, मैं कहीं बाहर शूट पे जा रहा था। एंड व्हाट हैपेंड गाइस, वो 3 लड़कों ने अपनी बाइक और स्कूटी ना मेरे गेट के बाहर लगाई और वो लोग बदतमीजी से घर की घंटी बजाने लग गए थे। मम्मी कुछ काम करी थी एक्चुअली एंड मम्मी अब बाहर इसलिए नहीं आती क्योंकि मम्मी घर में अकेली होती है। बट वो जो 3 लड़के थे गाइस, उन 3 लड़कों को मेरे से मिलना था। बट व्हाट दे वर डूइंग कि बाबू भैया बाहर आओ, बाबू भैया आपसे मिल रहे हैं बाबू भैया। एंड फिर गाइस बार बार घंटी बजा रहे थे। व्हाट हैपेंड, एक्चुअली मैं घर पे था ही नहीं, मम्मी घर पे अकेली थी, मम्मी कुछ काम करी थी शायद बाथरूम में, तो मम्मी बाहर नहीं है क्योंकि मम्मी को पता है कि रेगुलरली कोई ना कोई मिलने आते रहता है। तो वो लोग ना गेट के बाहर बहुत बदतमीजी कर रहे थे, तो मम्मी बाहर ही देखने के लिए कि कौन है। एंड व्हाट हैपेंड गाइस, उन 3 लड़कों में से एक जो लड़का था वो मेरे घर के सामने से हमारी वीडियो बना के गया एंड ही वाज काइंड ऑफ अब्यूजिंग कि ये बाबू भैया का घर है। एंड वो मेरी मम्मी के सामने कुछ गालियां दे करके गया। एक्चुअली मैं बता देता हूँ गाइस, मेरे घर में ना सीसीटीवी लगे, वो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर है। एंड मेरे पास उन 3 लड़कों की स्कूटी के फुटेज है, नंबर है। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं पुलिस कंप्लेन करवा करके सीधा उन लोगों को जेल भिजवा सकता हूँ, क्योंकि यू शुड लर्न कि मेरे घर में मेरी मम्मा होती है। मैं बोल के थक गया हूँ गाइज, मेरे घर मत टू अंडरस्टैंड दिस गाइज, अगर एक पुलिस कंप्लेन हो गई ना तो तुम 3 लड़के जेल जाओगे एंड जिंदगी भर यू नो यू विल रिग्रेट इट। मेरे पास अपने सीसीटीवी की सारी फुटेज है। मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे घर मत आओ, और घर आ रहे हो तो एटलीस्ट बदतमीजी मत करो मेरे घर वालों के साथ, क्योंकि मैं अपने में तो सेंड कर लूंगा बट मेरे घर वालों के सामने आई वोंट टॉलरेट एनीथिंग। तो चलिए नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं क्रेजी XYZ एंड सचिन के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर किया था, तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो एक बार जाकर देख लेना। मेरे उस वीडियो अपलोड होने के बाद कुछ फाइनल अपडेट्स आए हैं इस सिचुएशन में। फर्स्ट फॉर सचिन क्रेजी ब्लॉग्स, जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला वीडियो अपलोड किए थे अपने चैनल पर। अब अगर आप इस वीडियो को खोलेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, दिस वीडियो इज नो लॉन्गर अवेलेबल ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम बाय अमित शर्मा हु इज क्रेजी XYZ। सचिन ने पोस्ट कर बताया कि अब वह इस सब चीज में ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। उन्होंने यह कहा, अब सिर्फ ब्लॉग्स, कोई नेगेटिविटी नहीं। मैं सही हूँ या गलत हूँ यह मेरी मेहनत जवाब देगी। गाइस हेट मत फैलाओ, मैं इस कॉन्ट्रोवर्सी को यहीं खत्म करता हूँ, ब्लॉग दिया आएगा, लव यू गाइस, मोटिवेट करने के लिए। एंड देन उन्होंने अपना एक और चैनल अनाउंस कर दिया, जहां पर वो एक्सपेरिमेंट्स वीडियोस डालेंगे। सो यह आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द कंट्रोवर्सी। तो चलिए नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट करके दिखाया, उनके नए वीडियो का एडिटिंग प्रोसेस चालू हो गया है। उन्होंने नीचे लिखा है नेवर एंड, विच माइट सिग्निफाइज कि थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है। ऑल्सो कैरी मिनाटी अपने सेकंड चैनल पर भी काफी एक्टिव नहीं दिखे हैं, जहां पर वो लाइव स्ट्रीम करते हैं। लास्ट उन्होंने अपना लाइव स्ट्रीम किया था करीब 1 महीना पहले। तो किसी ने उनसे पूछा ट्विटर में कि कैरी मिनाटी मिसिंग योर लाइव स्ट्रीम,
तो उन्होंने रिप्लाई किया, ट्राइंग टू कम अप विद अ शेड्यूल सो वी कैन डू मोर दैट व्हाट वी डू राइट नाउ. अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है स्ट्रीमिंग से, वर्किंग ऑन द वीडियो. सो बेसिकली ही सेइंग कि वह अपने शेड्यूल्स को थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश करेंगे कि ताकि वह लाइव स्ट्रीम वगैरह भी कर सके, पर अभी वो स्ट्रीमिंग से थोड़ा सा ब्रेक लिए अपने वीडियोस पर काम करेंगे. तो चलिए नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं. तो हम लोग बात करने वाले हैं मिथ पैटर्न ट्रिगर्ड इंसान के बारे में. तो एक फैन ने स्टोरी अपलोड किया था, इमेजिंग गेटिंग टू सी अ म्यूजिक वीडियो फीचरिंग मिथ पैटर्न निश्चय, टू बी ऑनेस्ट आई वुड लव टू सी समथिंग लाइक दैट. तो मिथ पैट स्टोरी को रिपोस्ट करके ट्रिगर्ड इंसान से पूछे व्हाट सी, तो उन्होंने रिप्लाई किया भाई साहब ये किस लाइन पर आ गए आप. तो ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मिथ पैट, तो उन्होंने आज अपनी स्टोरी में यह पोस्ट किया समथिंग एक्साइटिंग कमिंग टुमारो, और उन्होंने कुछ टाइम बाद स्पॉटिफाई इंडिया का एक स्टोरी शेयर किया जहां पर लिखा है न्यू पॉडकास्ट लोडिंग एंड विद इन 10-12 आवर्स बाद यह अनाउंसमेंट आ जाएगा. तो लेट्स सी यह एक्साइटिंग अनाउंसमेंट क्या होता है. तो चलिए नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं. तो हम लोग बात करने वाले हैं थगेश के बारे में. तो आपको याद होगा यूट्यूब में कुछ टाइम पहले शैडो बैन वाला ज्यादा इशू हो रहा था. ट्रिगर्ड इंसान एंड बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स इस टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियोस बना रहे थे, उसके बाद यह चीज ऑलमोस्ट फिक्स्ड हो गई थी. बट आज थगेश ने शेयर किया कि उनकी नई वाली वीडियो के साथ यह चीज हुआ है, शैडो बैन वाला चीज. उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए. व्हाट्सअप, सो इतना बताना था कि जो मेन चैनल पे लेटेस्ट वीडियो है वो शैडो बैन हो गई है समाउ. शैडो बैन मतलब इफ यू सर्च थगेश तो वो वीडियो नहीं दिखेगी. तो आई डोंट नो क्यों, आई मे बी आई फील अफगानिस्तान का थोड़ा सा कवर किया था लेट नाइट शो में उसकी वजह से. बाकी तो आई डोंट नो ना, देखता हूँ इसका क्या कर सकते हैं सीन. बट इफ पॉसिबल देख लो चैनल पे जाके, चैनल पे क्लिक करोगे तो ही वो वीडियो देख पाओगे. सी अगर आप थगेश सर्च करते हो यूट्यूब पे तो लेटेस्ट वीडियो नहीं आती है यहाँ पे, जबकि ये एक वीक पहले की वीडियो है यू सी. बाकी अगर आप चैनल पे क्लिक करके देखोगे तो वो वीडियो यहाँ पे आपको दिख जाएगी ये वाली. तो या तो वही, इसको ही शैडो बैन बोलते हैं और क्या. तो चलिए कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात कर लेते हैं. तो हम लोग बात करने वाले हैं डैन टीडियम एंड ड्रीम के बारे में. सो फ्यू डेज एगो डैन टीडियम अपने ट्विटर पर मस्ती में एक ट्वीट शेयर किए थे जहां पर वह दिखा उनका एंड ड्रीम का सब्सक्राइबर सेम हो गया है. तो ड्रीम ने रिप्लाई किया 50.8 मिलियन लीजेंड्स एंड डैन उनको अप्रिशिएट करते हुए यह कहे यू शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव अकम्प्लिश्ड इट्स क्रेजी. तो यह ट्वीट 4 दिन पुराना था. तो आप इनके सब्सक्राइबर्स अब देखोगे तो क्लियरली ड्रीम हैज सरपास्ड मैनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम. तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में. तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें. तो चलो बाय.